उत्तर प्रदेश में गठबंधन की बिसात बिछने लगी है। तमाम दल अपने अपने तरीके से गठबंधन की राह पर निकल चले हैं। बीजेपी भी छोटे दलों को साध रही है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जो कि बीजेपी के सहयोगी रहे, अब पूरी तरीके से बीजेपी के खिलाफ हैं, बागी हो चुके हैं। क्या करेंगे ओम प्रकाश राजभर? इनका भागीदारी मोर्चा भी है, बीजेपी के खिलाफ है, कहां जाएंगे? क्या सपा, क्या बसपा? हमारे साथ बात करने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी स्वागत है आपका। ये बताइए सर कि आप पर सबकी निगाहें लगी हैं कि आप करेंगे क्या, तो आप क्या करेंगे पहले ये बताइए, क्योंकि चुनाव में अब कुछ महीनों का वक्त है। हम 18 महीने से करने के लिए भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए हैं, और अब तक जैसे बीजेपी की बात आपने किया, बीजेपी ने अति पिछड़ों या पिछड़े समाज में पिछड़ी जातियों के और अनुसूचित जनजातियों से ये लूडर पैदा किए हैं, ये सिर्फ वोट दिलाने का काम कर सकते हैं। तो जब हमने देखा कि ये लूडर बना करके वोट लेते हैं, तो हमने लीडर बनाना शुरू किया, लीडरों की गोल, तो जिसका नाम भागीदारी संकल्प मोर्चा। राजकुमार सैनी उनकी पार्टी है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो लीडर हैं। बाबू सिंह कुशवाहा पार्टी के लीडर हैं। प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल, रामसागर बिंद, रामकरण कश्यप, अनिल चौहान, ये सब लोग अपनी अपनी पार्टियों के लीडर हैं। ये अपने अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए इनकी जातियों के तमाम लोग, कोई बीजेपी, कोई सपा, कोई बसपा, कोई कांग्रेस में गए, लेकिन समाज के जब हित की बात आती है, अधिकार की लड़ाई आती है, तो ये लोग बोलते नहीं है। चाहे वो एमएलए हो, चाहे मंत्री हो, चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे कोई बना हो, वो समाज के हित की बात नहीं करते। इस नाते हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया, उसके बाद उसमें ओबीसी जी आ गए, तो 42% वोट जो अति पिछड़ों का है उसको लामबंद करने का 18 महीने से हम कोशिश कर रहे हैं। ओबीसी जी आ गए, उनका वोट 22%, तो और भी लोगों का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन आप तो ये सीधा सीधा गणित जोड़ दे रहे हैं कि जिस जाति का जो नेता है, जिस समाज का जो नेता है, उसके सारे वोट आपने जोड़ दिए, तो सारे वोट राजनीति में तो अर्थमेटिक नहीं चलता ना, केमिस्ट्री चलती है। देखिए, केमिस्ट्री हम भी जानते हैं, जहां प्रजापति रहता है, पाल रहता है, मुसलमान रहता है, चौहान रहता है, बिंद के वोट मल्ला रहता है, धोबी दरकार पासी खटी खेला कुजड़ा रहता है, वहीं राजभर रहता है। एक बड़ी संख्या में राजभर पूर्वांचल में है, उसकी तमाम जातियां जैसे अर्कबंशी है, बारी है, बियार है, रजवार है, बंजारा है, बहेलिया है, ये तमाम जातियां हैं, पूरे प्रदेश में फैली है। ये चर्चा जब हो रही है सदन से लेकर सड़क तक, जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उस लड़ाई से हर समाज में विश्वास जगा। जो अब तक लोगों ने झूठ बोल करके वोट लिया, समाज को गुमराह करके, अब लोगों के समझ में आ गई है बात, अब वो केमिस्ट्री सिखाएंगे। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि बीजेपी फिर आपसे केमिस्ट्री बना रही है, ये दिवा स्वप्न देख रहे हैं। बीजेपी को ये अच्छी तरह मालूम है कि ओम प्रकाश राजभर ने ही शुरुआत किया 17 के चुनाव में। 14 साल बीजेपी भी बनवास थी, जब ओम प्रकाश का साथ लिया तब नैया पार हुई, वरना ये भी नदी के किनारे हमारी तरफ भटक रहे थे। आज चाहे अपने को जितना तोप समझ लें यूपी में, लेकिन कल तक ये भी नदी के किनारे ही खड़ा होकर इंतजार कर रहे थे कोई नैया हमारी पार कर दे। तो उसमें ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल जी मिली, तब इनकी नैया पार हुई। अभी तो अनुप्रिया पटेल जी हैं, आप उतर गए नाव से, फिर चढ़ जाएंगे? नहीं, अनुप्रिया पटेल जी के साथ जो धोखा हुआ, उस धोखे को पटेल समाज समझ रहा है कि 14 में सरकार बनी तो आपने बना लिया, मंत्री बना करके दिखा दिया समाज को, 19 में वोट दिया, फिर आपने किनारे क्यों लगा दिया? 2 साल तक किनारे थी, आज फिर आपको वोट की जरूरत आ गई, फिर आप इकट्ठा कर रहे हो तो क्यों? तो वो जाए, लेकिन ओम प्रकाश राजभर बीजेपी डूबती हुई नैया है, उस नैया पे हम सवार होने वाले नहीं हैं, उस नैया को समुद्र में, नदी में हम बोरने वाले हैं। आप उस नैया पे सवार नहीं होंगे, लेकिन किस नैया पे सवार होंगे ये तो बता दीजिए। अखिलेश यादव के नाव पे सवार होंगे, बहन मायावती के नाव पे सवार होंगे, किस नाव पे सवार होंगे? देखिए, सच्चाई अगर कहा जाए, हमारे जो विचार है, आज पूरे देश में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है, सरकार खरीद रही है सस्ते रेट पर, बेच रही है महंगे रेट पर, 6 रुपया देहात में, 7 रुपया, 76 पैसा पर यूनिट खरीद रही है। ऐसा क्यों? हम लोगों को समझा रहे हैं कि आपने बीजेपी को देखा, सपा को देखा, बसपा को देखा, कांग्रेस को भी देखा, आप एक बार भागीदारी संकल्प मोर्चा को देखो,
सरकार बनते ही लगातार 5 साल तेरा घरेलू बिजली का बिल हम माफ कर देंगे, एक पैसा नहीं देना पड़ेगा घरेलू बिजली का बिल, हम आपका निःशुल्क स्वास्थ्य व्यवस्था, हम आपका निःशुल्क अगर आप बीमार होंगे तो निःशुल्क इलाज कराएंगे, हम उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए कटिबद्ध हैं, हम सबका साथ सबका विकास का जो नारा देने वाली बीजेपी थी हम वो काम नहीं, जो 13 प्रांतों में 27% आरक्षण को बांट करके हिस्सा दिया जा रहा है तो उसको हम यहाँ लागू करके सबको बराबर का हिस्सा देने के लिए उनको समझा रहे हैं। ये तो आप अपने भागीदारी मोर्चा का मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, आप ये तब कह रहे हैं जब भागीदारी मोर्चा पूरे 403 सीटों पर अकेले लड़े, तो क्या आप अकेले लड़ने के मूड में हैं या फिर अगर बीजेपी को आप हराना चाह रहे हैं, उनकी नैया डुबोना है, तो आप किसी के तो साथ जाएंगे, सपा के साथ जाएंगे, अखिलेश यादव के साथ जाएंगे, मायावती के साथ जाएंगे? देखिए अभी तक जैसे सब लोग अपनी अपनी पार्टी को सजा रहे हैं वैसे हम भागीदारी संकल्प मोर्चा को सजा रहे हैं, जो हमारे विचारों से कांग्रेस, बसपा और सपा, इन तीनों में से बीजेपी को छोड़ के इन तीनों में से जो हमारे साथ इस विचार को लागू करना चाहते हैं, प्रदेश में अमन चैन चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं भाईचारा की लड़ाई चाहते हैं, अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई नहीं भागीदारी की बात चाहते हैं, वो मेरे साथ आमे उनका हम स्वागत करेंगे। कांग्रेस आपकी भागीदारी मोर्चा, आपको लगता है कि आप कांग्रेस के साथ भी अगर गठबंधन आप कर लेंगे तो भागीदारी मोर्चा और कांग्रेस अपने आप में सक्षम है सरकार बना? देखिए हम तीन पार्टियां हैं यहाँ, चार पार्टियां तो एक तो इग्नोर कर दिया, तीन ही बची हैं, उन तीनों में भी हम अध्ययन कर रहे हैं कि तीनों अगर इस विचार को चाहती हैं तो आ सकते हैं। काम की बात अगर करेंगे तो जितना सीना ठोक रही है बीजेपी, जितना सीना ठोक रहे हैं अखिलेश जी, सपा, हम अगर लखनऊ में खड़ा होकर देखिए, आप एयरपोर्ट निकलिए मायावती जी का काम दिखाई देगा, आप 1090 पर खड़ा हो जाइए मायावती जी का काम दिखाई देगा। मायावती जी की सरकार रहती थी यही सिपाही दरोगा जो आज थाने पर जाति पूछ के मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, FIR नहीं कर रहे हैं, 10,000-20,000 रुपया मांग रहे हैं घूस लेके तब FIR किसी तरह हो रहा है, मायावती का राज था तो यही अधिकारी कर्मचारी यही सिपाही दरोगा हनुमान चालीसा पढ़ते थे कि मायावती से जान बचावें, ऐसा हनुमान चालीसा पढ़ते थे अधिकारी, वो उसका शासन था। लेकिन आज का शासन बीजेपी का शासन, जाके उठा के देखिए थाने पर, तो मायावती का शासन सबों में बेहतर था, बहुत बेहतर था। सीएम वही सफल है जिसका DM होता है, रिजर्वेशन के हिसाब से शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स के लोग IAS और IPS हैं, उनकी पोस्टिंग हो जाती है जिले में, जो ईमानदार हैं उनकी पोस्टिंग कर लेती हैं। और देखिए करप्शन तो ऊपर से आता है, जैसे पानी ऊपर से गिरता है नीचे जाता है ना, भ्रष्टाचार जैसे आपके देखा ना कि नोएडा का SP ने कहा ना कि 80 लाख 60 लाख 50 लाख लेकर के जिले बिक रहे हैं इस सरकार में, आप जिला बेचोगे तो थानेदार थाना नहीं बिकेगा। मैं फिर से पॉलिटिकल सवाल पर आता हूं, आपने तारीफ की मायावती की, तो क्या आपको लगता है कि मायावती के साथ भी आपका गठबंधन हो सकता है? हमारा गठबंधन बसपा के साथ भी हो सकता है, सपा के साथ भी हो सकता है, कांग्रेस के भी साथ हो सकता है, हमारे जो विचार है, काम की बात मैं कर रहा हूं, जो लोग कह रहे हैं आज बीजेपी बहुत विकास की बात कर रही है, लखनऊ में एक काम विकास का दिखा दें, अखिलेश की बात जहां तक आती है आप रिवर प्लांट देख लीजिए, आप अगर गोमती के किनारे खड़ा हुई है तो लगता है कि नहीं किसी ने काम किया है, तो काम की तारीफ होनी चाहिए। जैसे मोदी जी कहते हैं 70 साल कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो आपके दादा बनाए हैं जो बेच रहे हैं, जो आपने रेलवे बेचा, एयरपोर्ट बेचा, BSNL बेचा, कोयले की खदान कौन बनाया, आप कहां से बेच रहे हो, आपने बनाया है? एक चीज बताइए कि बसपा के साथ आप लोग जाने को, आपका मोर्चा जाने को तैयार है, कोई बातचीत हुई है, आप चाहते हैं कि ये बातचीत आगे बढ़े? क्या जिसको जरूरत है उनको सरकार बनाने की जरूरत अगर समझ में आ रहे हैं, बीजेपी को हटाना चाहते हैं और प्रदेश में भाईचारा अमन चैन चाहते हैं, तो जो चीज हम लोग चाहते हैं उसके लिए अगर वो तैयार हों तो फिर उस पर हमारा मोर्चा विचार करेगा। यानी कि मायावती के साथ गठबंधन के लिए आपका मोर्चा विचार कर सकता है, आप लोग चाहते हैं कि उनके साथ जाएं? हम तीनों में किसी के साथ कर सकते हैं, हम किसी के साथ थोड़े अनुबंधित हैं कि नहीं हम इन्हीं के साथ करेंगे, हमारे विचार, हमारे सुझाव, हमारी सोच, हमारी लड़ाई को मानने के लिए अखिलेश तैयार हो, मायावती तैयार हो, सोनिया तैयार हो, किसी से कर सकते हैं। वैसे आपका मोर्चा किसके करीब ज्यादा है, आपके लोग किसके करीब ज्यादा है? ओम प्रकाश राजभर के हमारा मोर्चा ओवैसी जी, कुशवाहा जी,
प्रजापति जी, पाल जी, चौहान जी, अर्कबंशी जी, बंजारा जी, जितने लोग हैं सब लोग ओम प्रकाश के करीब हैं। नहीं, आपने इशारों में तो मायावती की बात कह दी, लेकिन अब ये बताइए कि क्या बीजेपी से कोई समझौता हो सकता है? क्योंकि बीजेपी के तरफ से भी ये कहा जा रहा है, आपकी पार्टी से भी ये लोग कह रहे हैं कि लगातार मैसेज आ रहे हैं, बातचीत हो सकती है, कुछ बातें पर तैयार हो जाए तो बातचीत हो सकती। देखिए, बीजेपी से तो सवाल नहीं है। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात किया है, मैं रात को संजय सिंह से मिला हूं, हमारी मुलाकात जल्द ही केजरीवाल जी से होगी, बातें होगी कि आइए मोर्चे में। हमारी बात अभी टीएमसी के भी नेता से हुई है, हमारी बात संजय राउत से हुई है कि आओ हम सब लोग मिलकर के उत्तर प्रदेश में लड़ा जाए। क्या दिक्कत है? 403 सीट है, सब लोग यहां लड़ने की मनसा है तो सब लोग आओ मिलकर लड़ा जाए। तो न्योता हम सबको दे रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है देश का नेता जो यहां चुनाव लड़ने की इच्छा रखता हो। यहां की जो भी पार्टी, अब तक मैं 3-4 दिन में यहां कम से कम नहीं, कुछ तो हमको अंदाजे कि 40-42 पार्टियों से मैं टटोल लिया, लोग हमसे समझौता करने के लिए आए हैं। हमने कहा कि भाई एक सीट अगर तैयार हो जाओ तो हम समझौता कर सकते हैं, आपकी पार्टी को इसमें शामिल कर सकते हैं, एक सीट। इस पे अगर रजामंद हो तब हम आपको 10 सीट दे सकते हैं, 15 सीट दे सकते हैं, 20 सीट दे सकते हैं, लेकिन गठबंधन के पहले ये मान लो कि हम आपको एक ही सीट देंगे। अगर इतना अगर आपको भरोसा हो, लेकिन आपके साथ जो आएंगे वो भी तो चाहेंगे कि बड़ी पार्टियों से गठबंधन हो आपका। भाई मैंने उनसे बता दिया है ना कि आप एक सीट अगर बात करो तो हमारे साथ आओ, हो सकता है बसपा से हो जाए, हो सकता है सपा से हो जाए, हो सकता है कांग्रेस से। बसपा से हो, क्योंकि सपा की बात तो चलती है, मायावती जल्दी खुल के नहीं बोलती। आप लोगों को लगता है कि बसपा से भी गठबंधन हो सकता है? बसपा से देखिए, बसपा का वोट है, जो लोग इग्नोर करते हैं वो गलत फहमी में है। आज मायावती जी सपा से कमजोर नहीं है, आज भी उनके पास 24% वोट है। सपा के पास क्या वोट है, कितना वोट है आप बताइए? 29%, यही ना वोट है। लेकिन वो मुस्लिम और यादव का जोड़ के हैं, तो मुस्लिम तो रजिस्ट्री तो है नहीं कि नहीं वोट देगा। जहां मुसलमान लड़ता है तो वहां वोट बढ़ जाता है दो भाग में, जहां यादव दो ठो लड़ जाता है तो यादव दो भाग में बढ़ जाता है। ये गारंटी हम देते हैं, लाख कोई कितना हो बड़ा से बड़ा नेता आ जाए, मैं खुद बीजेपी से समझौते में सीट मिली, उसका रिश्तेदार कहा कि हाथी छोड़ के वोट नहीं देंगे, तुम हारो चाहे जीतो। उसकी बहन, उसका साला, उसका बहनुई कहा कि ना बाबा, हम लोग बहुजन समाज पार्टी वाले हैं, अब बताइए इससे बड़ा रिश्ता क्या हो सकता है। तो अब तो ये भी कहा गया कि बहन जी का, मायावती का और अखिलेश का जो गठबंधन टूटा, तो मायावती का जो अपना वोट बैंक है वो कमजोर पड़ा, आपको लगता है ऐसा ग्राउंड पे? नहीं नहीं, कहीं ग्राउंड कमजोर नहीं। आपने भाई इलेक्शन देखा, चाहे घोसी का देखिए, चाहे बलहा का देखिए, चाहे जलालपुर का देखिए, 800 वोट से बीजेपी बसपा हारी है, 800 वोट से समाजवादी पार्टी जीती। क्यों जीत गई? बसपा का 12,000 वोट हम पा गए, हम प्रत्याशी खड़ा कर दिए, 12,000 वोट कट गया, 12,800 हम पाए, 800 से बसपा हार गई। अगर 12,800 उसमें जोड़ दीजिए तो सपा कहां चली, 12,000 से हार गई। घोसी में हम 13,000 वोट पाए तब जाके बीजेपी जीत पाई, और नहीं तो एसपी और बीएसपी वहां जीतते दोनों में। हम जहां जहां लड़ गए वहां वहां बीजेपी की विदाई हो गई। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आपका वोट बसपा से मिल जाए तो फॉर्मिडेबल हो जाएगा, आप बहुत बड़ी तादाद में आप लोगों के पास वोट। देखिए, हमारे पास 42% वोट है आज के तारीख में, तो पिछड़ों का लोग ठेका लेके घूम रहे हैं, हम नेता लेके घूम रहे हैं। नेता जा रहा है गांव में, नेता जा रहा है उनसे कह रहा है कि हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपकी बिरादरी के हैं, हम ये हमारी तुम्हारी पार्टी है। जब सब लोग अपनी अपनी पार्टी के साथ है, तुम अपनी पार्टी के साथ आओ, जब अपना झंडा लेके चलोगे तब तेरी पहचान होगी। आज चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, 6 जातियों के अलावा 7वां जाति का नाम लेते हुए बता दीजिए किसी पार्टी को, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, यादव, मुसलमान, चमार के अलावा किसी का नाम आता है? कोई आज तक जीवन में कोई पार्टी नाई का, गोण का, पाल का, बिंद का, केवट का, मल्ला का, निषाद का, कोरी का, पासी का नाम लिया?
कोई कमकर का नाम लिया, कोई राजभर का नाम लिया, लेकिन ओम प्रकाश राजभर भागीदारी संकल्प मोर्चा जिसका नाम कोई नहीं लेता है उसका बार बार ओम प्रकाश राजभर नाम लेता है, दिखाता है कि देखो ये भी जाति यहां है। एक एक विधानसभा में 60-60, 70-70, 80-80 हजार, 1-1 लाख, 1.5-1.5 लाख वोट अति पिछड़ों का है, वही मुसलमान, तो मुसलमान भी देख रहा है कि जब हम यादव के साथ जाकर के पिछली बार सरकार नहीं बना पाए, मुसलमान तो था उन्हीं के साथ ना, यादव भी उन्हीं के साथ था 17 में, तो 48 सीट जीते, तो कौन सा तोप खड़ा कर देंगे भैया, कौन सा ला करके इन्होंने पहाड़ काम कर दिया कि जो इनको वोट लोग दे देंगे सपा को? हाँ सपा को क्यों वोट दे देंगे, बीजेपी के गुस्से में? ऐसा कुछ नहीं है, ये गलतफहमी में लोग हैं। आज मोर्चे की कुवत है सरकार बनवाने की। लेकिन आपकी बात अखिलेश यादव मायावती किसी से हुई है, किसी से हो रही है? 1.5 साल हो गया, हमारी बात किसी से नहीं है, 1.5 साल, 1-2 दिन नहीं। तो आप किससे चाहते हैं बात? हम अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं, हम बरसात हो रही है पूर्वांचल में बहुत धूमधाम से, मौका नहीं मिला तो हमने कहा कि चलो लखनऊ चलते हैं, आप लोगों से मिलेंगे, थोड़ा आप लोगों के माध्यम से संदेश अपने लोगों तक पहुंचाएंगे, और अब समय आ रहा है तो लोगों की अगर इच्छा होगी तो फिर विचार करेंगे उस पर। धन्यवाद, आज तक से बात करेंगे। तो हमारे साथ थे ओम प्रकाश राजभर, अति पिछड़ों, पिछड़ों, राजभर, ऐसे उन तमाम जातियों की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात साफ कह रहे हैं, इशारा साफ है कि कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर और इनसे जुड़े नेता और पार्टियां ये जरूर चाहती हैं कि वो बसपा के साथ जाएं, ये साफ साफ दिख रहा है। लेकिन क्या मायावती आगे बढ़ेंगी, इसका इनका इनके साथ होंगी, ये एक बड़ा सवाल है। देखना यह है कि ये नया जो मोर्चा है, नया जो गठबंधन है, वो किस करवट बैठता है। संजय सिंह के साथ कुमार अभिषेक।